प्रथम कक्षा के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको पाठ दो पढ़ाते हैं। कृपया ध्यान पूर्वक इसे सुनना और ध्यान पूर्वक इसे याद करना। तो चलते हैं, आज हम पाठ दो कैसे याद किया जाए। पाठ दो में अब दूसरे व्यंजन पर हम चलते हैं। दूसरा व्यंजन क्या है? आ के साथ एक की मात्रा, जिसे कहते हैं हम बड़ा आ। तो आ के साथ एक की मात्रा आई तो क्या बन गया? बड़ा आ। और इसके साथ व्यंजनों का, कौन कौन से व्यंजनों का प्रयोग होगा, आइए इसे पढ़ते हैं। आ के साथ मां, मां का प्रयोग हुआ, बड़ा इसे कहेंगे बड़ा आ। बड़ा आ के साथ मां का प्रयोग हुआ तो क्या बन गया? आम। और रा जमा जा तो क्या बन गया? रा के साथ भी बड़ा आ की मात्रा और जा के साथ भी बड़े आ की मात्रा, क्या बन गया? रा जा। ये क्या था? आम। ये क्या है? राजा। अब तीसरा है छा, फिर क्या बना? ता। क्या हुआ? छाता। इसके क्या कहेंगे? छाता। ये क्या है? बा। फिर क्या है? जा। दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे बाजा, तो क्या बन गया? बाजा। इसी प्रकार माला, फिर ताला, फिर डाल, थाल, कान, फिर धान, फिर माता, फिर जाला, राम, आम, टाम, खा, गाना, गा, ये जितने भी शब्द हैं ये दूसरे स्वर के साथ व्यंजन का प्रयोग किया गया है। ताला लगा, बाजा बजा, राम बाजार गया, छाता साथ ला, राधा माला पहन, हाथ साफ कर आ। आगे क्या लिखा है? खाना बनाकर खा, बाहर चला जा। ये तो हम देखते हैं कि ये जो शब्द लिखे हुए हैं वो हमने पढ़े। इसी प्रकार कोई भी शब्द हम बड़े आ की मात्रा के साथ बोल सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, आधार, जग, जाग, शब्द है जा जमांगा, जाग जा। जो आदमी सोया पड़ा हो तो उसको क्या कहेंगे? जाग जा। जो आदमी जगा पड़ा हो उसको क्या कहेंगे? आ जा। तो इधर आ जा, तो ये शब्दों का प्रयोग होगा। आ जा, बड़ा आ, फिर जा के साथ फिर बड़ा आ, तो क्या कहेंगे? आ जा। तो और भी बहुत सारे शब्द हम लगातार दूसरे स्वर के साथ व्यंजन जोड़ के बना सकते हैं। इसलिए बच्चों, आज हमने पाठ क्या याद किया? दूसरे स्वर में व्यंजन का प्रयोग। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहो, याद करते रहो, तो जल्दी से जल्दी तुम ये पाठ सीख जाओगे। अच्छा बच्चों, अलविदा।